एक सेंटेंस मुझे बताना कि मेरा दोस्त सोया है, मेरी पत्नी सोई है, मेरा भाई सोया है, सूर्य पूरब से निकल रहा है। आप कहोगे सर जिसके अंत में रहा रही कॉन्टिन्यूस, एक सिंपल सा पूछ रहा, सूर्य पूरब से निकल रहा है, इसका अंग्रेजी क्या होगा? तो आप कहोगे सर जिसके अंत में रहा रही कॉन्टिन्यूस टेंस, तो आप बना दोगे इसका कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट बना दोगे इसका, जो कि सरासर गलत है। यह सेंटेंस जो है गलत है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट नहीं होगा। आप कहोगे सर रहा रही तो है ना, बेटा ध्यान दो इस बात को, रहा रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जो काम प्रेजेंट में चल रहा हो, सूर्य पूरब से निकल रहा है, यानी सूर्य पूरब से निकलता था, निकलता है, निकलता रहेगा, सूर्य कभी पश्चिम से निकलता, इसलिए यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा। जो काम परमानेंट होता है ना उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इसका बनेगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, या इसका सही बनेगा। अब एक एग्जांपल आपसे जानना चाहता हूं, मेरा भाई सोया है। अब जरा आप मुझे बताओ क्या सेंटेंस किस टेंस का हो सकता है? इस तरह के हजारों सेंटेंस आपसे ताश भी दूंगा जोश। तो मेरा भाई सोया है मतलब मेरा भाई सोने का काम कर रहा है। जब हमने बोला कि मेरा भाई सोया है तो जल्दी बोलो काम चल रहा है या काम नहीं चल रहा है। काम चल रहा है ना, तो दुनिया का कोई काम जब चलता रहता है ना तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो मेरा भाई सोया है यह कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो क्या बनेगा? माई ब्रदर इज स्लीपिंग, माई ब्रदर इज स्लीपिंग, क्योंकि मेरा भाई सोया है मतलब सो रहा है, काम चल रहा है। जब हम बोलेंगे उस समय काम चलना चाहिए, यानी वर्क और एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोलते हैं ना तो काम चलना चाहिए, तभी वो कॉन्टिन्यूअस होगा, रहा रही से कोई मतलब नहीं है। चलिए एक ताश देता हूं, इसको बना के मुझे कमेंट करना। क्या बता रहा हूं? ध्यान दो कि मेरा दोस्त नदी किनारे बैठा है। सोचना, समझना, 10 लोगों से पूछना, इसका जवाब देना। इसका जवाब मैं कमेंट में आपका वेट करूंगा और इंतजार करूंगा। चूंकि यहाँ पे DSL में पढ़ाया नहीं, सिखाया जाता है। हर तरह की चीज को जब सीखोगे, पढ़ोगे, तब आपकी पहचान एक अलग से बनेगी। अब पुराना मेथड को छोड़ना पड़ेगा, ताते थी रहा रही को, और नए मेथड से पढ़ना होगा। मिलते हैं फिर से नए क्लास में।